राधे राधे मित्रों मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कंस नारद ऋषि का आह्वान करते रहता है तो नारद कंस को दर्शन नहीं देता है। तो कंस कहता है, नारद ऋषि मेरा आह्वान क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा, आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहती है, देव ऋषि नारद को कंस अपना युद्ध का भागीदार बनाकर उचित नहीं कर रहा है। तो महादेव कहते हैं, जानता हूँ गौरी, किंतु कंस तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक देव ऋषि नारद दर्शन नहीं दे देते हैं। तभी देव ऋषि नारद आते हैं और महादेव एवं माता गौरी को प्रणाम करता है और कहता है, कदाचित देवी पार्वती का भय उचित है, कंस का हट अत्यधिक विचलित कर रहा है। प्रभु, अब तक मैं उसके धैर्य की प्रतीक्षा लेता रहा हूँ और प्रभु देवराज इंद्र भी चाहते हैं कि मैं कंस से जाकर, देवराज इंद्र इतने शक्तिशाली हैं, प्रभु मुझे इस विचित्र संकट से केवल आप ही निकाल सकते हैं। तो महादेव कहते हैं, समाधान अत्यंत सरल है देव ऋषि, आप देवराज इंद्र का संदेश कंस तक पहुंचा दीजिए, कंस आपके दर्शन कर लेगा और उसका तपस्या भी पूर्ण हो जाएगा और देवराज इंद्र की बात भी रह जाएगी। तो माता गौरी कहती है, किंतु महादेव कंस श्री कृष्ण के लिए संकट खड़ा कर सकता है। तो महादेव कहते हैं, गौरी, संसार के लिए जो संकट होता है वो मेरे आराध्या के लिए एक मात्र क्रीड़ा होता है। मेरे आराध्या श्री कृष्ण संसार को चलाने के लिए धर्म और कर्म का ही शिक्षा देते हैं, इसलिए आप कंस को दर्शन दे कर अपना धर्म निभाइए और इंद्र का संदेश कंस तक पहुँचा कर अपना कर्म तपस्या के पश्चात परिणाम क्या होगा उसका विषय में आप चिंतित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कंस और देवराज इंद्र के कर्म और उनके परिणाम भी उन्हीं को भुगतने होंगे। फिर महादेव माता गौरी से कहती है, मैं जानता हूँ कि देवराज इंद्र नारद को जो परामर्श मैंने दिया है उससे तुम थोड़ी विचलित हो, परंतु तनिक धैर्य रखो, जो भी कर रहा हूँ मेरे आराध्या की इच्छा से ही हो रहा है और आराध्या की इच्छा से शीघ्र ही देव ऋषि नारद उचित अनुचित का ज्ञान होने लगेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नंजी गांव वालों को कहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम इस चौपाल में एकत्रित हुए हैं उन 10 व्यक्तियों के नामों की पर्ची निकालने के लिए जिन्हें कल होने वाली पूजा के सामग्री जुटाने का उत्तरदायित्व तो लेंगे। तो चलिए इंद्रदेव का नाम लेकर हम इस कार्य को आरंभ करते हैं। फिर सभी लोग एक एक कर अपना पर्ची में नाम लिख कर रखते हैं। तो राधा से कहती है, कृष्ण मेरी बात स्मरण है ना तुम्हें कि केवल कल तक का समय है? तो कृष्ण कहता है, अन्यथा वृंदावन का इस लीला को अंत करके हमें द्वारिका लौटना होगा, यही कहना चाहती हो ना? मैंने कहा ना राधा, ये अभी संभव नहीं है, अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण कार्य करने शेष हैं और कल की चिंता क्यों कर रही हो? आज की चिंता करो, ये देखो आहुति के विषय में सब सोचकर कितने चिंतित हैं। फिर यशोदा कहती है, हम सब ये कार्य प्रभु के नाम लेकर शुरू की है और इसका समापन भी हम प्रभु के हाथों होना चाहिए, सब बच्चे तो साक्षात भगवान के ही रूप होते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों को ही पर्ची उठाना चाहिए। तो नंजी कहते हैं, उचित कहा यशोदा। फिर नंजी श्रीधर को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस पात्र में से बिना देखे 10 पर्ची मुझे निकाल कर दे दो। तभी मोहन की पत्नी बोलती है, हे भगवान, कहीं आपका नाम निकल ना जाए, हमारे पास तो केवल 4 ही गाय हैं। तो मोहन कहता है, शुभ शुभ बोलो, तुम्हारी बातों से इंद्रदेव कुपित हो गए तो पूरी वृंदावन को उनका क्रोध झेलना पड़ेगा। तभी पहला पर्ची निकलता है जिसमें मोहन का नाम होता है। तो मोहन हाथ जोड़कर कहता है, नंद जी, हमारे पास वो 4 गाय हैं जिसमें
से 3 गाय यज्ञ के लिए देने के लिए सज हूँ। तो यह बात सुनकर मोहन की पत्नी वहाँ से चल जाती है। तो राधा जाते हुए देख लेती है और बलराम से कहती है, इंद्रदेव इतना निर्दय कैसे हो सकते हैं, उनका ये मांग बिल्कुल अनुचित है। पूजा और आहुति तो भक्त अपना प्रसन्नता से करता है, किंतु यहाँ ये पूजा पूरे गांव की उदासी का कारण बन चुका है। तो बलराम कहता है, तुम उचित कह रही हो राधा, किंतु ना हम कर भी क्या सकते हैं, हमें तो केवल उत्तरदायित्व तो उठाने वाले भार के कंधों की सहायता कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कंस के तपस्या स्थल पर देवऋषि नारद आते हैं। तो कंस नारद को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं आपका आह्वान इसलिए किया हूँ कि मुझे एक महत्वपूर्ण विषय में आपका परामर्श चाहिए। तो नारद कहता है, आपके दुविधा से मैं पहले ही परिचित हूँ, आप यही जानना चाहते हैं ना कि इस संसार में ऐसा कोई है जो परम शक्तिशाली हो, जो वृंदावन वासियों का नाश करने में आपकी सहायता कर सके। तो कंस कहता है, जी मुनिवर, आप कृपया करके बताइए कि कौन है वो महान शक्तिशाली। तो नारद कहता है, देवों के नरेश देवराज इंद्र, जिनका ना केवल स्वर्ग लोक पर अपितु पृथ्वी लोक पर भी उनका विशेषत्व है। इसलिए तो पृथ्वी लोक के प्रत्येक वासी, यहाँ तक कि वृंदावन के वासी भी सर्वस्व देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। यदि चाहे तो देवराज इंद्र आपकी सहायता कर सकते हैं। तो कंस कहता है, आप मुझे केवल ये बताइए कि देवराज इंद्र के पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे इतना बलवान बनाती है। तो नारद कहता है कि मैं आपको बता दूं कि देवराज इंद्र का वज्र संसार में सबसे श्रेष्ठ वज्र माना जाता है और देवराज इंद्र के पास एक और विशेष शक्ति है जो देवराज इंद्र को शक्तिशाली बनाता है, वो है संवर्तक। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।